उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने नए भवन की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नया संसद भवन प्रभावशाली है, देश को नई संसद की जरूरत थी। तो संसद के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने नए भवन की तारीफ की है। उन्होंने इस भवन को प्रभावशाली बताया है और साथ साथ ये भी कहा कि देश को नई संसद की जरूरत थी, क्योंकि जो पुरानी संसद थी 1921 में उसका शिलान्यास किया गया था और ऐसे में 6 साल लगे हैं उसको बनने में और वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। और ऐसे में तारीफ की है उमर अब्दुल्ला ने भी नए भवन की, स्वागत किया है इस फैसले का और देश को नई संसद की जरूरत थी, ये भी उन्होंने कहा। वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं, उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसना बंद नहीं हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में पीटीआई नेता जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा भी आ गए। दोनों को 15 दिन तक नजरबंद रखने का आदेश दिया गया। यानी पाकिस्तान पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पीटीआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई से बचने के लिए पीटीआई के कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि या तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता पुलिस हिरासत में पहुंच गए या फिर इमरान से उन्होंने दूरी बना ली। और उधर पाकिस्तान में इमरान खान के एक और करीबी नेता पर शिकंजा कस दिया गया है। इमरान के करीबी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए अब पाकिस्तान में ये शिकंजा कसा गया। पंजाब प्रांत की पुलिस पहुंची। परवेज इलाही को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसी आरोप में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी को खत्म करने के लिए शहबाज सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर है और इसी वजह से पीटीआई के 37 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इस बीच इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा ने दावा किया कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके असली गुनहगार इमरान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी हैं। फैसल बावड़ा ने आरोप लगाया कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पर धांधली की साजिश असल में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद ने रची, जो कि इमरान खान के सबसे करीबी अधिकारियों में एक माने जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा का आरोप है कि अल कादर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के असली